दोस्तों भारतीय सेना के लिए हमारे साइंटिस्ट एक स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं और ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भारत के फाइटर जेट को भी प्रोटेक्ट करने वाला है। साथ साथ ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देशों को धूल भी चटा सकेगा। आइए दोस्तों इस वीडियो में इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो दोस्तों हमारे पड़ोसी लगातार ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं और आज के समय में चाइना लगातार ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है। और आप सभी ये बात जानते होंगे कि आने वाले समय में यानी भविष्य में जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़े जाएंगे और जो भी देश इस टेक्नोलॉजी में माहिर होगा आने वाले समय में उसी देश का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की मदद से ना तो युद्ध में एक गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई बम धमाका करने की जरूरत पड़ेगी और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से दुश्मन देश के फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल इन सबको काफी आराम से घुटनों पर लाया जा सकता है। और आज के समय में हमारे पास जमीन पर डिप्लॉय करने के लिए बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में हमारी वायुसेना पीछे रह जाती है। और आज के समय में हमारी वायुसेना के पास मात्र 3 ही ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है और चाइना लगातार ही ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हुए हैं। फिलहाल की कंडीशन को देखा जाए तो भारत को तुरंत ही ऐसे 20 से 25 एयरक्राफ्ट चाहिए और इन्हीं जरूरतों को देखते हुए अब हमारे साइंटिस्ट एक काफी स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं और इस एयरक्राफ्ट का नाम एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर होने वाला है और आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला है। और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास ये ही एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर होने वाला है और हमारी वायुसेना आने वाले समय में दुश्मन देश के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल को इन सब हथियारों को हमारे इसी फाइटर जेट की मदद से मारा जाएगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है। तो दोस्तों जिस दौरान इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन देश की टेरिटरी के पास घुमाया जाता है तो उस दौरान ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सभी को ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे कर जैम कर देगा और बाद में एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दुश्मन देश के फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइलें खुद ही पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी और जल्द ही मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी मिल सकता है। जल्द ही आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भी कर दी जाए। तो दोस्तों भारत के इस नए एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।